Now we have two stationary points, and these are 0, 0 and AA. हम इन्हीं दो पॉइंट्स पर फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा चेक करेंगे। टेबल हमारे पास है, एट द स्टेशनरी पॉइंट 0, 0 एंड एट द स्टेशनरी पॉइंट AA, द वैल्यू ऑफ R एट द A इज इक्वल्स टू 0. R means fxx की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट 0, 0 पर 0. S means fxy that is fixed minus 3a. Then T means fyy and it has a value 0 at the stationary point 0, 0, and the relation RT minus S square is your minus 9A square. It means which is less than by 0, being a negative sign here. Similarly, at the stationary point AA, we have the value for R is 6A. It is fixed minus 3A. And the value for T is your 6A. And the value of RT minus S square is 27A square, which is purely greater than by 0. अब हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे फॉर द स्टेशनरी पॉइंट 0, 0, सिंस एट द स्टेशनरी पॉइंट 0, 0 हमारे पास क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन बाय 0, 0 एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला देयर इज no extreme or extremum value. क्योंकि हमारे पास क्या है, RT minus S square 0 से छोटा है, means negative. And at the stationary point AA, we have the value for RT minus S square is greater than by 0. That's why at the point AA the function is minima. And function has minimum value. और वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमारे पास fxy क्या है, that is x cube plus y cube minus 3 axy
इसमें वैल्यू रखिए x की जगह भी a और y की जगह भी a, तो हमारे पास एफ एक्स वाई क्या मिलता है, चेक इट आउट, डेट इज माइनस ए क्यूब, और ये माइनस ए क्यूब क्या होगी, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द स्टेशनरी पॉइंट ए ए। मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से बड़ा है और उसके साथ साथ आर भी जीरो से बड़ा है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता था, मिनिमा एट दैट स्टेशनरी पॉइंट, और उस फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम उस स्टेशनरी पॉइंट पर। तो देखिए आर की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पर ए ए पर कितनी है, 6 है, डेट इज पॉजिटिव, और आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, डेट्स वाई द फंक्शन इज मिनिमा एट द पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट ए ए एंड इट हैज अ मिनिमम वैल्यू माइनस ए क्यूब। Now I am taking one more question on the maximum and minima. Next question is that a rectangular box open at the top is to have the volume of 32 cc. Find the dimensions of the box requiring least material for its construction. इस question में क्या कहता है कि एक हमारे पास rectangular box है जिसका open क्या है, what is open here, उसका टॉप जो है वो ओपन है और इसका वॉल्यूम है 32 सीसी। अब हमें क्या करना है कि डायमेंशंस निकालने, डायमेंशंस मींस लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, किसके लिए, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, और वो डायमेंशंस सर्टिफाइड होने चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि जिससे हमारा लीस्ट मटेरियल यूज हो, किसको बनाने में, रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने में। इसका मतलब लीस्ट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब अगर हम फंक्शन लेके चले तो जो भी हम फंक्शन लेके चलेंगे उसको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, मिनिमा किसके लिए, उन स्टेशनरी पॉइंट के लिए, और स्टेशनरी पॉइंट क्या होंगे हमारे पास, जो कि हमें डायमेंशंस रिक्वायर करेंगे। व्हाट इज गिवन, लेट हम इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट एल बी एच बी द लेंथ एंड ब्रेथ हाइट ऑफ द बॉक्स एंड कैपिटल एस बी द सरफेस एरिया एंड कैपिटल वी बी द वॉल्यूम, देन व्हाट इज गिवन हियर, वॉल्यूम इज योर 32 सीसी, और रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, L into B into H is equals to 32 cc। अब देखिए हमें इस बॉक्स को बनाने के लिए लीस्ट मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल हमें, इसका मतलब हमारे पास मटेरियल क्या होना चाहिए, एज ए एरिया में कम होना चाहिए, मीन्स जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा और जो कि लीस्ट होना चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया से तो बनेगा रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें कि 6 साइड होंगी, 6 एरिया होंगे, ओके। अब देखिए हमारे पास जो मैक्सिमा मिनिमा का फार्मूला है ये केवल 2 वेरिएबल्स के लिए है, जबकि यहां पर कितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं, 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो हम एक वेरिएबल को क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने बी को एलिमिनेट किया और बी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 32/LH। अब मुझे फंक्शन लेना है जिसको मुझे मिनिमम प्रूव करना हो, क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही हमारा लीस्ट मटेरियल लगेगा।
तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, 2L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। अब देखिए यहां पर मैंने लिया है ट्राइस ऑफ L प्लस बी मीन्स 2LH प्लस 2BH, क्योंकि हमारा बॉक्स जो है ऊपर से खुला हुआ है, इसका मतलब वो वाला हमारा एरिया नहीं आएगा, वो वाला एरिया, वो वाला सरफेस एरिया उसमें शामिल नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर सिंगल एल बी, क्योंकि ऊपर रूफ वाला जो एरिया हुआ क्या होगा एल इन टू बी। इस फंक्शन को मुझे क्या प्रूव करना है, मिनिमम और जिस पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स एल और एच, ये दो स्टेशनरी, इनके लिए मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट आएंगे जिन पर कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पर बी भी प्रेजेंट है, तो बी को हम एलिमिनेट कर लेंगे और इसे टू वेरिएबल्स का फंक्शन बना लेंगे। दैट इज एस इज योर ट्राइस एल प्लस 32 बाई एल एच इंटू एच प्लस एल 32 बाई एल एच। अब ये सारा फंक्शन टू वेरिएबल्स के लिए हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, एस इज इक्वल्स टू 2LH प्लस 64 बाई एल प्लस 32 बाई एच। अब मेरे पास यहां पर दो वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल L है और दूसरा वेरिएबल H, तो इसी के लिए हम फंक्शन को लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन में अब इतना जरूर ध्यान रखना है जो कि मैंने शुरू में भी अब डिस्कस किया था कि यहां पर वॉल्यूम के अंदर थ्री डायमेंशंस हैं, मींस फंक्शन क्या है, फंक्शन देखिए किसका है, थ्री वेरिएबल्स का, जबकि हमारे पास फार्मूला क्या है, टू वेरिएबल्स के लिए है। इसलिए मैंने पहले फंक्शन को टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया है, यह हमें जरूर अटेंशन पे करनी है इस पॉइंट पर। हमारे पास जो एस का रिलेशन आया फॉर द सरफेस एरिया, उसको हमने पहले डिफरेंशिएट किया एल के रेस्पेक्ट में, जैसे कि हम पहले एफ एक्स निकालते थे, एफ एक्स मीन्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, और यहां पर हम क्या निकालेंगे, डेल एस ओवर डेल एल, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई की जगह क्या है, एल और एच, तो जो हमारे पास ये मिलेगा। इसी तरीके से रिलेशन को, एस के रिलेशन को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है एच के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। मान लीजिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। अब हमें आगे क्या करना है, जैसे कि फार्मूले में है डेल एस ओवर डेल एल को इक्वेट करना है जीरो के, ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास, 2h माइनस 64 ओवर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, विच गिव्स यू h इज इक्वल्स टू 32 बाई एल स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली हमें क्या करना है, फिर डेल एस ओवर डेल एच को इक्वेट करना है जीरो के, ऐसा करने से क्या मिलेगा, 2l माइनस 32 बाई एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर टू, और हमें l कितना मिलता है, 16 बाई एच स्क्वायर। से योर इक्वेशन नंबर फोर। अब देखिए हम जब इक्वेशन थ्री एंड फोर को सोल्व करेंगे, या तो इसे कन्वर्ट कर लें, जैसे देखिए h और l है, या तो केवल h में कन्वर्ट कर लें इसे, या l में कन्वर्ट कर लें और इनको हम सोल्व कर लें। जैसे कि मैं एक इक्वेशन सोल्व करके बताता हूं, h इज योर 32 बाई एल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एल स्क्वायर अगर मैं वैल्यू रखना चाहूं तो कितना रख सकता हूं, या एच की वैल्यू रखना चाहूं तो एल के टर्म्स में रख सकता हूं। तो देखिए यहां पर एल फ्रॉम देयर दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 16 बाय एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हो गया, h इज इक्वल्स टू 32
by 256 into h to the power 4. And अब देखिए इसको मैंने क्रॉस किया बाय 8 टाइम्स. मेरे पास क्या मिलता है रिलेशन, एच इज इक्वल्स टू एच 4/8, और इससे देखिए सिंप्लीफाई करने से कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू एच क्यूब, दैट इज एच इज योर 2. अब एच की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एल. By this we have the L is equals to 4. और अगर हम L और H की वैल्यू वॉल्यूम के अंदर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, B, that is again 4. तो हमारे पास देखिए H, L और B तीनों dimensions आ चुकी हैं. कोट करना. Now from the previous relation, what we have as a r, r हमारे पास है del square s over del square, और चूंकि हमारे पास stationary point क्या है 4 and 2, तो हमारे पास relation में हमने l और h की value रखी, कितना आ गया 64, ये answer हमें मिल गया. इसी तरीके से s हमारे पास क्या होगा, del square s over del l into del h, जिसकी value कितनी है 2, और इसी तरीके से t हमारे पास क्या होगा, del square s over del h square एट द स्टेशनरी पॉइंट 4 एंड 2, क्योंकि हमने सारे फंक्शन को L और H में कन्वर्ट किया है. तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी है 4 और H की वैल्यू कितनी है 2, और दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट. अब हमें एज यूजुअल पहले की तरह क्या रिलेशन लेना है, वी हैव टू टेक RT माइनस S स्क्वायर. अब देखिए इस रिलेशन में हम वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 8 माइनस 2 स्क्वायर, That is 12. इसका मतलब देखिए RT माइनस S स्क्वायर में मिलता है 0 से बड़ा, और उसके साथ साथ R की वैल्यू क्या है 2 है, which is purely greater than by 0. इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन हमारे पास जो S है वो क्या होगा, S is the minima at the stationary point 4 एंड 2, और फॉरम फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और यही रिक्वायर्ड हमें करना था. इसका मतलब अगर हम एज ए डाइमेंशंस 4 एंड 2 लेके चलते हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमा है. इसका मतलब फंक्शन की एस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और मिनिमम मीन्स लीस्ट, और वही हमें चाहिए था. एस क्या था हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स. इसका मतलब इन डायमेंशंस मीन्स 4 4 2 पर डायमेंशंस पर हमारे पास एस क्या होगा, लीस्ट, और लीस्ट ही हमें चाहिए था. तो मेजरमेंट और किसे, द वैल्यू फॉर एल इज इक्वल्स टू 4, द वैल्यू फॉर बी इज इक्वल्स टू 4, एंड फॉर द एच इज 2. सो दीज आर द डायमेंशंस फॉर विच एस इज लीस्ट, और बी required least material. Answer. Now we are doing the next method for maxima minima, which is known as Lagrange's method of undetermined multipliers. ये क्या कहता है? Let f be a function of x, y, z of three variables. You can say f is a function of three variables, and these are x, y, z, and these variables are connected by the relation phi x, y, z is equals to 0. Function kitne variables ka hai? Three variables ka. Ab wo variables hamare paas x, y, z, aur ye variables आपस में कैसे रिलेटेड है, बाय द रिलेशन फाइ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0. देन व्हाट इट सेज, वी हैव द थ्री इक्वेशंस, मींस डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाइ ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0,
Second equation, del f over del y plus lambda del phi over del y is equals to 0. And the last equation is del f over del z plus lambda del phi over del z की भी वैल्यू क्या होगी, 0. इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये तीन इक्वेशन मिलेंगी और इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम रिक्वायर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं. रिपीट करना चाहूंगा, f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जिसे कि मैक्सिमा मिनिमा होना है या गिवन है. और वो एफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन है और इस फंक्शन के वेरिएबल जो कि एक्स वाई जेड है आपस में रिलेटेड हैं बाय द रिलेशन फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0. तो हमें ये तीन इक्वेशंस मिलेंगी. अगर हमारे पास फोर वेरिएबल्स होंगे तो फोर इक्वेशंस मिलेंगी, वन फॉर एक्स, वन फॉर वाई, वन फॉर जेड. और अगर फोर्थ वेरिएबल आता है तो उस वेरिएबल के लिए भी हमारे पास इक्वेशन मिलेगी जिसका राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, 0. इन इक्वेशंस को सोल्व करके हम रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं.